नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अजिंक्य। आज की वीडियो किस चर्चा पर होने वाली है ये आपको पता लग ही गया होगा मेरे पीछे पर दिखने वाली इस स्क्रीन पर। तो दोस्तों, बहुत सारे दिनों से हम BS6 के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं एंड बहुत सारे मेरे दोस्तों ने वीडियोस में कमेंट किया था कि अशोक लेलैंड की गाड़ियों पर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, इसके लिए मैं रुका हुआ था क्योंकि मुझे पहले पता था कि अशोक लेलैंड का मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म आने वाला है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद में इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर एक ट्रक टॉक्स का स्टाइल में, अपनी प्रेजेंटेशन स्टाइल में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो अशोक लेलैंड की नई जो अवतार मॉड्यूलर रेंज है ट्रक्स की, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की, उसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है एज रेगुलर से पहले की, लगभग 20-25 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको पूरा नॉलेज और पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये जो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर बताऊंगा। मेरे PDF मतलब एक PDF आया है मुझे अशोक लेलैंड के तरफ से ब्रोशर, उसके ऊपर मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा बड़ी अच्छी तरीके से। एंड वहां पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अवतार मॉड्यूलर रेंज जो है दोस्तों, ये इंडिया की पहली मॉड्यूलर रेंज है ट्रक्स की जो अशोक लेलैंड की तरफ से लाई गई है। एंड एक काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट मुझे लगा है, एंड बेहतरीन इसलिए लगा है क्योंकि मीन्स अब 2020 आ चुका है एंड इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड कमर्शियल व्हीकल्स की इंडस्ट्री में इंडिया में पहली बार मॉड्यूलर ट्रक रेंज आ गया है। दोस्तों, इन शॉर्ट बताया जाए तो मॉड्यूलर रेंज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप आपकी ट्रक एक चैसिस पर अलग अलग टाइप के कैबिन्स, अलग अलग टाइप के फ्यूल टैंक्स, ड्राइव लाइन, सस्पेंशन, व्हील्स, टायर्स लगाकर एक ट्रक आप कस्टमाइज करके अपने लिए बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने बचपन में कोई गेम खेला होगा, नीड फॉर स्पीड, GTA वगैरह, उसमें देखो हम एक गाड़ी जो रहती थी हम चलाते थे कंप्यूटर के गेम में, तो उससे हम कस्टमाइज करते थे, उसका बम्पर बदलते थे, व्हील्स बदलते थे, कलर्स बदलते थे। सेम कॉन्सेप्ट अशोक लेलैंड ने ट्रक्स में लाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है AVTR, यानी कि अशोक लेलैंड अवतार, द इंडियाज फर्स्ट मॉड्यूलर रेंज ऑफ ट्रक्स। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस किए हैं एंड क्या क्या नया आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको आगे का जो पार्ट है वो लैपटॉप में जो है एक्सप्लेन करूंगा, तो अशोक लेलैंड की BS6 गाड़ियों की जो रेंज है दोस्तों, इनकी जो MNHCV यानी कि हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की जो रेंज है, 18.5 टन से लेके 55 टन की रेंज आपको अवेलेबल है, जिसमें टिपर्स, ट्रैक्टर्स वगैरह है। एंड इनकी जो टेक्नोलॉजी का नाम है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा है iGen6, iGen6 मिडनॉक्स टेक्नोलॉजी इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का नाम रखा है अशोक लेलैंड ने। एंड दोस्तों, इसमें ये अवतार रेंज जो है आपको हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में जो है देखने को मिलेगा। तो अशोक लेलैंड की गाड़ियां जो है कुछ इस तरह से दिखने वाली है। इनमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इस अशोक लेलैंड की जो रेंज में लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, बसेस वगैरह भी अवेलेबल होंगी। तो इस टेक्नोलॉजी का जो नाम रखा गया है दोस्तों, वो है अशोक लेलैंड की iGen6 टेक्नोलॉजी, जिसमें दोस्तों जो इनका नारा है वो है इनोवेटिव, इंटेलिजेंट और इंडियन। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी प्रूवन है और इन गाड़ियों की जो टेस्टिंग है 6 मिलियन किलोमीटर यानी कि लगभग 60 लाख किलोमीटर तक इन गाड़ियों की BS6 में लॉन्च करने से पहले जो है हार्ड कोर टेस्टिंग पूरी इंडिया की सड़कों पर जो है की गई है। दोस्तों अब जो मैं मेन टॉपिक पे हम बात करेंगे कि मॉड्यूलर ट्रक रेंज जिसके लिए हमने वीडियो बनाया अवतार रेंज। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अवतार रेंज इज अ बेसिकली कस्टमाइजेबल व्हीकल फॉर्मेट जो अब अशोक लेलैंड ने हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि दोस्तों, एक सिंगल चैसिस पर आप अलग अलग टाइप के एग्रीगेट्स यानी कि गाड़ी के पार्ट्स जो होते हैं, इंजन, गेयरबॉक्स, ड्राइव लाइन, सस्पेंशन, व्हील्स, टायर्स, फ्यूल टैंक वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ आप कस्टमाइज कर सकते हैं और जो गाड़ी आपके एप्लीकेशन को सूट होती है, जो आपके यूज़ को सूट होती है, फॉर एग्जांपल सीमेंट के लिए कुछ लोग अलग गाड़ी लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सॉफ्ट लगता है, वैसे आप गाड़ी कस्टमाइज करके ले सकते हैं। और ये जो दोस्तों अवतार रेंज है, इसमें आपको जो ऑन रोड हॉलेज की ट्रक्स, उसके बाद टिपर्स, माइनिंग टिपर्स, ऑन रोड हॉलेज टिपर्स और ट्रैक्टर्स अवेलेबल है। आज के वीडियो में हम सिर्फ ट्रक्स और ट्रैक्टर्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। टिपर्स के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि टिपर्स का एक थोड़ा अलग सेगमेंट है, तो मैंने सोचा उनको मिक्स किए बिना एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले बता दो कि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ तैयारी करके बैठिएगा, काफ़ी डिटेल में ये वीडियो जो है होने वाला है दोस्तों। दोस्तों, अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है बिल्ड योर ओन ट्रक। अवतार रेंज का जो बेसिक ये है वो है कि बिल्ड योर ओन ट्रक। दोस्तों, आप आपके एप्लीकेशन के हिसाब से यानी कि गाड़ी में पड़ने वाला लोड, गाड़ी की रिक्वायरमेंट्स, गाड़ी के इंजन की पावर, लोड बॉडी की टाइप और बॉडी किस प्रकार के चले, लंबाई चौड़ाई, उसी के साथ साथ कैबिन के ऑप्शंस, सस्पेंशन के ऑप्शंस, ड्राइव लाइन के ऑप्शंस
और रोड उस हिसाब से आप आपकी गाड़ी आपके एप्लीकेशन के अनुसार जो है सूट मॉडिफाई करके अशोक लेलैंड की तरफ से ले सकते हैं। दोस्तों इसका फायदा यह है कि गाड़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती है, उसी के साथ साथ अच्छा टायर माइलेज, अच्छी रिलायबिलिटी गाड़ी देती है, उसी के साथ साथ अच्छी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस गाड़ी देती है क्योंकि इंजन की पावर जो है बढ़ाई गई है। उसी के साथ साथ ये जो नए कैबिन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं काफ़ी अच्छी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और ये कैबिन्स काफ़ी कंफर्टेबल है। और इन सब चीज़ों को मिला के गाड़ी का जो TCO होता है दोस्तों, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ये कम हो जाता है। अब गाड़ी की अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में गाड़ी में क्या चेंजेस किए दोस्तों, जो दो नए इंजिन्स है अशोक लेलैंड का एच सीरीज और ए सीरीज। एच सीरीज जो इंजन है दोस्तों वो 200 HP का इंजन है, जो पहले 180 HP का आता था उसे ही रिट्यून करके 200 HP का बनाया गया है और ये नया ए सीरीज का 250 HP का जो इंजन है ये ऐड कर दिया है। अब ये जो इंजन है इसमें अशोक लेलैंड की जो ओल्ड IEGR टेक्नोलॉजी थी वो भी है और जो BS6 कंपोनेंट SCR टेक्नोलॉजी है, सिलेक्टिव कैटलिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी, वो भी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है दोस्तों। और जिन जिन मेरे भाइयों को सवाल था जो मुझे इंस्टाग्राम और कमेंट्स में मैसेज करके पूछते थे कि अशोक लेलैंड की गाड़ियों में एडब्लू डलेगा या नहीं, तो मेरे भाई लोग अशोक लेलैंड की BS6 की सभी ट्रकों में एडब्लू डलेगा। अभी इंजन को ठंडा करने के लिए गाड़ी में सेंट्रलाइज कूलिंग फैन के साथ बड़ा जो है रेडिएटर दिया गया है और सबसे मूलभूत चीज जो मुझे लगी है इसमें हैवी ड्यूटी 318 cc का एयर कंप्रेसर दिया गया है, इनबिल्ट APDA यूनिट यानी कि एयर प्रोसेसर डिस्ट्रीब्यूशन एयर डिस्ट्रीब्यूशन असेंबली के यूनिट के साथ जो है ये दी गई है, जो कम आइडल टाइम पे अच्छी एयर बिल्ड करता है। अब ये जो मिडनॉक्स टेक्नोलॉजी है दोस्तों, BS6 की सभी ट्रकों में जो है EATS यानी कि एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसका एक सेपरेट यूनिट होता है दोस्तों जो कुछ इस तरह से दिखता है, मैं साइड में भी यहां पर दिखा दूंगा। तो ये जो यूनिट है अशोक लेलैंड का काफी कॉम्पैक्ट है अन्य कंपनियों से और छोटा यूनिट है और ये बराबर चेसिस के साइड में कैबिन के पीछे इन्होंने फिट किया है। अब इसका जो SCR कैटालिटिक कन्वर्टर में जो डेप स्प्रे है यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड का जो स्प्रे होता है वो एयर असिस्टेड है, जिससे जो आपकी डेप की कंजम्पशन है, एडब्ल्यू की जो मात्रा है वो गाड़ी कम यूज करती है। एंड इसका जो रीजनरेशन का जो इंटरवल है दोस्तों, जो इसके कार्बन मीन्स सूट जमा होती है उसका जो रीजनरेशन इंटरवल है वो अन्य गाड़ियों से ज़्यादा है। और दोस्तों ये रीजनरेशन कौन का कॉन्सेप्ट की मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर थोड़े दिनों में आऊँगा, जिसमें मैं आपको रीजनरेशन कैसा होता है, गाड़ी में रीजनरेशन कैसा किया जाता है, वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। उसी के साथ साथ इन गाड़ियों में आपको अच्छी ड्राइवलाइन के लिए आपको ऑप्शनल गियरबॉक्स, गियर रेशोज और रियर एक्सल रेशो जो है RAR वो आपके हिसाब से जो है चूज कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, तो हायर रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस कम रखने के लिए गाड़ी में क्या क्या किया गया है, तो दोस्तों सबसे मूलभूत चीज़ जो मुझे लगी है वो है इस गाड़ी के यूनिटाइज्ड व्हील बेयरिंग्स। दोस्तों यूनिटाइज्ड व्हील बेयरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो मीन्स ये एक्चुअली कार्स का पार्ट है जो गाड़ियों में अशोक लेलैंड के ट्रक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। यूनिटाइज्ड व्हील बेयरिंग्स की बदौलत गाड़ी में आपको हब ग्रीसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इनमें ग्रीस पहले से लगा हुआ आता है एंड इसमें एडजस्टमेंट या कुछ टाइट वगैरह करने की भी जरूरत नहीं होती, तो इनडायरेक्टली गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो कम हो जाता है। उसी के साथ साथ स्लिपर एंडेड सस्पेंशन भी अशोक लेलैंड की गाड़ियों में दिया गया है जो कम मेंटेनेंस है, क्योंकि इसका जो ग्रीसिंग पॉइंट्स है दोस्तों ये 20 जो ग्रीसिंग पॉइंट्स हुआ करते थे पहले की गाड़ियों में 20 से जो है 2 तक किए गए हैं एंड काफ़ी बढ़िया मुझे जो है ये लगा है दोस्तों। एंड दोस्तों ये जो दो पार्ट्स है, स्लिपर एंडेड सस्पेंशन और यूनिटाइज व्हील बेयरिंग्स, ये इसके ऊपर स्टार है यानी कि ये सिलेक्टेड मॉडल्स के लिए नहीं कि कुछ मॉडल्स के लिए ही है। अशोक लेलैंड की चेसिस तो आप सभी को पता ही है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेसिस है और जो गाड़ी के चेसिस के जो कंपोनेंट्स है, जो फैब्रिकेशंस, जॉइनिंग की पट्टियां जो होती है, एल पट्टी वगैरह, बम्पर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है अशोक लेलैंड की तरफ से दिए गए हैं। गाड़ी के सर्विस इंटरवल की बात करें तो दोस्तों मिडनॉक्स टेक्नोलॉजी जो है गाड़ियों की नई इंट्रोड्यूस की गई, उससे गाड़ी का सर्विस इंटरवल बढ़ गया है पहले से। इंजन ऑयल चेंज जो है वो 80,000 किलोमीटर पर स्थित है, गियरबॉक्स ऑयल 1,60,000 किलोमीटर पर स्थित है, रियर एक्सल ऑयल 2,00,000 किलोमीटर पर स्थित है, फ्यूल फिल्टर इसका 80,000 किलोमीटर पर स्थित है और क्लच ऑयल इसका 1,20,000 किलोमीटर पर स्थित है। दोस्तों ये जो वैल्यूज है ये आपके एप्लीकेशन और यूज के हिसाब से कम 10-15,000 किलोमीटर कम ज्यादा हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और मेंटेनेंस कम करने के लिए गाड़ी में ग्रीस फ्री क्लच ऑपरेशन दिया गया है जो स्मूथ गियर एंगेजमेंट के लिए काम करता है। पहले जो गाड़ी के गियर डालने में झटके आते थे वो अब कम से कम लगेंगे और इसका जो प्रोपेलर शाफ्ट है दोस्तों ये पहले से ल्यूब होके आता है, इसमें ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये लाइफ टाइम लुब्रिकेटेड है। अब बात करते हैं गाड़ी के कंफर्ट और परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों गाड़ी में जो है नए कैबिन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो कैबिन है दोस्तों काफ़ी एरोडायनामिक है, जिसमें NVH यानी कि नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस की जो लेवल्स है काफ़ी कम है एंड गाड़ी चलाने को ड्राइवर को एक अलग एक्सपीरियंस इनकी वजह से मिलता है। और इन कैबिन्स में आपको AC और HVAC यानी कि नॉर्मल AC और हीटिंग वाला AC आपको ऑप्शनल दिया है, आप वो ले सकते हैं। हालांकि काउल और जो बेस वेरियंट वाला कैबिन है उसमें आपको AC नहीं दिया गया है,
उसमें सिर्फ जो आपको ब्लोअर्स दिए गए हैं। उसी के साथ साथ सुकून से गाड़ी चलाने के लिए इसमें स्मूथर गियर शिफ्ट के लिए आपको केबल शिफ्ट मैकेनिज्म वाला गियरबॉक्स दिया गया है। दोस्तों केबल शिफ्ट मैकेनिज्म वाला गियरबॉक्स होने के कारण गाड़ी में गियर बदलते वक्त झटके नहीं लगते और ड्राइवर आसानी से गाड़ी चला सकता है। उसी के साथ साथ सबसे मूलभूत फीचर जो मुझे लगा है वो है इसका रिवर्स पार्किंग असिस्ट। एंड दोस्तों रिवर्स पार्किंग असिस्ट बड़ी ट्रक 12 चक्का 14 चक्का 16 चक्का वाली ट्रक्स को पीछे रिवर्स लेते वक्त काफ़ी काम आता है, क्योंकि मैंने भी एक बार 14 पहिया वाली गाड़ी चलाई थी टाटा की, एंड रिवर्स लेते वक्त आई मीन टू से काफ़ी हाल होता है, पीछे का कुछ दिखता नहीं है डाले की वजह से, एंड हमेशा पीछे एक बंदा हमें खड़ा लगता है। तो इस रिवर्स पार्किंग असिस्ट की वजह से तो जो है दोस्तों गाड़ी रिवर्स लेने में आसानी होगी। इस स्पीडोमीटर के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। सेफ्टी की बात करें तो दोस्तों गाड़ी में जो है आगे का जो शो है गाड़ी का टोटली मेटल का है, काफ़ी मजबूत ये जो है शो गाड़ी का बनाया गया है, पूरी तरह से मेटल का फेस है और बम्पर माउंटेड हेडलाइट्स जो इसमें दिए गए हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो इसमें बम्पर माउंटेड हेडलाइट्स है, जो हेडलाइट्स की रोशनी पड़ती है वो सीधा रोड पर पड़ती है और सामने से आने वाली गाड़ियों को ये परेशान नहीं करती। एंड इसके जो पीछे की तरफ है एलईडी टेल लैंप्स है जो पीछे से आने वाली गाड़ी को काफ़ी अच्छी तरीके से सतर्क करते हैं। ये जो इसका एयर कंप्रेसर मैंने आपको पहले बताया 318 सीसी का सेपरेट एयर कंप्रेसर इसमें दिया गया है, जिसमें APDA यानी कि एयर प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन असेंबली सेपरेट दी गई है, जो आइडल टाइम पे कम आइडल टाइम पे अच्छी एयर प्रोड्यूस करते हैं। उसी के साथ साथ इस गाड़ी में ऑप्शनल जो लोड बॉडी स्पैन्स है 18 से 32 फीट के, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें आप काउल चेसिस, केबिन चेसिस, फिक्स साइड डेक और हाई साइड डेक लोड बॉडी ऑप्शंस ले सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। और इन गाड़ियों में जो आपको एंटी रोल बार देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया जो है सेफ्टी फीचर है। दोस्तों अब आते हैं सबसे मेन चीज़ जिसके बारे में आप लोगों को भी काफ़ी उत्सुकता होगी, इन गाड़ियों के केबिन्स के बारे में। तो दोस्तों गाड़ियों में आपको चार प्रकार के जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे बेसिक जो है जी काउल, उसके बाद में आता है एम कैबिन जो एक मीडियम एंट्री लेवल कैबिन है, उसके बाद में आता है एक यू कैबिन, ये मेरे हिसाब से एक सेमी स्लीपर कैबिन है जो काफ़ी बढ़िया लगता है और मेरा फेवरेट जो है यू कैबिन है। और सबसे प्रीमियम जो इसका कैबिन है जो पहले भी आता था कैप्टन कैबिन, जिसका नाम बदल के अब एन कैबिन दिया गया है। आप दोस्तों मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म में इन चारों में से एक कोई भी कैबिन आपकी ट्रक में जो है लगवा सकता है। उसके इंटीरियर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मैं आपको यहाँ पर फोटोज जो है डाल दूंगा, एंड काफ़ी उत्तम दर्जा के जो क्वालिटी के मुझे इंटीरियर्स दिख गए। बात करते हैं जी काउल की, तो जी काउल में जो आपको सादा गाड़ी का जो काउल है वो मिलता है, आपको बॉडी बिल्डिंग इसकी बाहर से करवानी पड़ेगी। एंड इस काउल में आपको स्टाइलिश फ्रंट फेशिया जो आगे का शो है वो बदल दिया है, उसी के साथ साथ बम्पर माउंटेड हेडलाइट्स एंड मीन्स जो रोड प्रेजेंस है गाड़ी का वो बढ़ गया है। अब बात करते हैं एम कैबिन की, तो दोस्तों एम कैबिन में नए स्टाइलिंग एंड इम्प्रूवमेंट्स एस्थेटिक्स के साथ ये कैबिन काफ़ी बढ़िया है और दो विंडशील्ड्स के साथ आता है, टू पीस विंडशील्ड्स इसमें आपको दिए गए हैं। एंड इसमें डे एंड स्लीपर वर्जन जो है एम कैबिन में आपको अवेलेबल है, यानी कि टिपर गाड़ी में आपको डे कैबिन मिलेगा एंड उस हिसाब से है। एंड मेटल बम्पर डबल हेडलाइट्स के साथ, बम्पर माउंटेड हेडलाइट्स के साथ इसमें दिया गया है। और इस वेरिएंट में आपको जो है दोस्तों ब्लोअर दिए गए हैं। बात करते हैं यू कैबिन की, तो यू कैबिन जो है इन चारों में से मेरा सबसे फेवरेट है। एस ये जो कैबिन है पिवटेड रियर सस्पेंडेड डिजाइन के साथ आता है, फुल्ली सस्पेंशन के साथ ये कैबिन है। ये कैबिन जो है दोस्तों पूरी तरह से क्रैश टेस्ट कंपाइलेंट है ट्रक कोड के हिसाब से। इसमें ड्राइवर कंफर्ट के हिसाब से जो है रिक्लाइनिंग सीट्स, एंटी रोल बार, मेटल फ्रंट फेसिया, बम्पर माउंटेड हेडलाइट्स, AC, बड़ी विंडशील्ड दी गई है जो विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया कर देगी गाड़ी की, एंड बढ़िया कैबिन मुझे लगा। कैसा लगा आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अब लास्ट बात करते हैं एन कैबिन की, तो एन कैबिन जो है सबसे प्रीमियम कैबिन है दोस्तों, एंड इसे हम कैप्टन कैबिन भी कह सकते हैं। ये जो कैबिन है दोस्तों एक टिल्टेबल कैबिन है इंजन में काम करने के लिए, जो इसमें आसानी होती है, और फुल्ली सस्पेंडेड कैब है विद डैम्पर्स, यानी कि कैबिन के नीचे भी सेपरेट सस्पेंशन दिया गया है ताकि गाड़ी चलाते वक्त झटके कम लगे। एंड ये जो कैबिन है ये भी दोस्तों क्रैश टेस्ट कंपाइलेंट है एज पर ट्रक कोड। उसी के साथ साथ रिक्लाइनिंग सीट, सस्पेंडेड ड्राइवर सीट इसमें ऑप्शनल दिया गया है। आगे वाले एक्सल पर इसमें आपको एंटी रोल बार जो है देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया सेफ्टी फीचर है। और इस गाड़ी में आपको AC और HVAC यानी कि AC और हीटर जो है ऑप्शनल दिया गया है। और एंटरटेनमेंट के लिए इसमें दोस्तों म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, यार गाने तो बजने चाहिए, उसके बिना मज़ा कैसे आएगा। तो ये कुछ इसके कैबिन्स का जो है दोस्तों ऐसा है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की। तो स्पीडोमीटर जो है अशोक लेलैंड की बड़ी गाड़ियों में जो है हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में जो है अच्छा दिया है। अब मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस स्पीडोमीटर में ADDA यानी कि एडवांस डिजिटल ड्राइवर असिस्ट दिया गया है, जो ड्राइवर को स्पीडोमीटर के साथ और गाड़ी के साथ एक रिलेशन बना के रखता है। तो इसमें गाड़ी जो है ड्राइवर को मॉनिटर करती है कि भाई किस तरह से गाड़ी चला रहे हो, मीन्स एग्जामिन करती है ड्राइवर को और बताती रहती है। इस स्पीडोमीटर में आपको सभी तरह के जो है नोटेशंस, जैसे कि एक्सल अप, लिफ्ट एक्सल गाड़ियों के लिए, NOX एरर जो
इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम का जो एरर है, डीपीएफ लैंप, लो एड ब्लू लेवल, यानी कि फ्यूल के साथ साथ इसमें अगर आपका एड ब्लू कम हो जाता है तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर, रीजनरेशन इनहिबिट, बैटरी नॉट चार्जिंग लैंप, स्टॉप लैंप, एबीएस लैंप, पार्किंग लैंप, ऑयल प्रेशर, ईडीसी लैंप, लो एड ब्लू लेवल, पीटीओ, जो गाड़ी में पीटीओ एप्लीकेशन स्टिपर में आते हैं उसका लैंप, लो कूलेंट लेवल, एयर फिल्टर ब्लॉक, हाई गियर रेंज डिटेक्टेड, वो भी इसमें दिया गया, काफी बढ़िया मुझे लगा है। और ट्रांसमिशन ऑयल का टेम्परेचर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ सेंटर में एक एमआईडी, टर्न इंडिकेटर्स, अशोक लेलैंड का एक बेहतरीन लोगो, स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, एयर प्रेशर, फ्यूल लेवल और कोल्ड हॉट का टेम्परेचर का काटा इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले, जिसमें गाड़ी का जो ट्रिप किलोमीटर्स के साथ साथ कितना किलोमीटर गाड़ी ने एवरेज दिया है वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। ट्रिप डिस्टेंस एंड फ्यूल इकोनॉमी, यानी कि आप दिल्ली से मुंबई गाड़ी चला के आते हो तो उस डिस्टेंस में गाड़ी ने कितना माइलेज दिया, कितना किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, वो सब आपको इसके स्पीडोमीटर में देखने को मिलेगा। दोस्तों गाड़ी के माइलेज में मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि गाड़ी जो है एक्चुअल हमारे पास पहुंची नहीं है, तो इसका टेस्टिंग हम ले नहीं सकते। एंड हमारे ट्रांसपोर्ट के जो भाई है हमारे यूनियन के, उनके पास भी ये गाड़ी अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट माइलेज आपको बता नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ अंधाधुंध माइलेज बता दूंगा तो मेरे हिसाब से गलत बात होगी, कस्टमर्स तक हम गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाने नहीं चाहते, तो प्लीज़ बने रहिएगा। इसका माइलेज जो है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, जब मुझे पता चल जाएगा एक दो महीने में, मैं अपलोड कर दूंगा। उसी के साथ साथ इस स्पीडोमीटर में आपको GSAS यानी कि गियर शिफ्ट एडवाइजरी सिस्टम दी गई है, जो ड्राइवर को बताती है कि गाड़ी का गियर कब चढ़ाना है और कब उतारना है, तो काफ़ी बढ़िया फीचर मुझे लगा है। एंड इस स्पीडोमीटर में आपको RPAS यानी कि रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम जो है दिया गया है। तो दोस्तों आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सी ट्रकें इस जो अवतार रेंज में आपको अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ट्रक्स इसमें आपको अवेलेबल है। तो आपने देख ही लिया होगा कि अवतार रेंज में क्या क्या है, क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं एंड क्या क्या नए पार्ट्स इसमें एड ऑन किए हैं BS6 टेक्नोलॉजी में। एंड अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा फास्ट लगा हो तो मुझे प्लीज़ माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आदत हो गई यार फास्ट फास्ट बोलने की। एंड आगे अभी मैं इसके इस पार्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अशोक लेलैंड के जो है अवतार रेंज में आपको कौन से टाइप्स के ट्रक्स अवेलेबल है, वेरियंट्स कौन से अवेलेबल है। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ट्रक्स की, कौन सी ट्रकें अवेलेबल है। तो दोस्तों 19-20 जो 19 टन के GVW में ट्रक आती है वो अवेलेबल है, उसी के साथ साथ 28-20 10 पहिए वाली, उसी के साथ साथ 28-25 जो भी एक गाड़ी अवेलेबल है 10 पहिए में, और 35-20 3520 जो नॉर्मल एक्सल के साथ और लिफ्ट एक्सल के साथ दोनों एक्सल्स के साथ अवेलेबल है, उसी के साथ साथ 42-20 जो 14 व्हीलर गाड़ी है, उसी के साथ साथ उसी में आपको एडवांस 250 HP के इंजन के साथ 42-25 भी अवेलेबल है, और 4825 जो कि 250 HP में आपको ये गाड़ी अवेलेबल है। तो इन गाड़ियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहली गाड़ी है अपनी 1920 1920। दोस्तों जो पहली 1618 आती थी उसका नाम अब चेंज होकर 1920 इन्होंने कर दिया है, और इस गाड़ी में जैसे मैं आपको पहले बताया अवतार रेंज में आपको काउल, एम कैबिन, यू कैबिन और एन कैबिन वेरिएंट्स अवेलेबल है, तो आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो गाड़ी है 1920 ये आपको 18 फीट, 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट, 26 फीट, 28 फीट, 30 फीट और 32 फीट के डेक लेंथ ऑप्शंस में अवेलेबल है। एंड इसमें आपको ये चार कैबिन जो अवेलेबल है आप इन चारों में से एक आपके एप्लीकेशन के अनुसार ले सकते हैं। एंड दोस्तों इन गाड़ियों के जो डिटेल्ड वीडियोस ट्रक टॉक्स की स्टाइल में हर गाड़ी की इंडिविजुअल वीडियो मैं आपको लेके आने वाला हूँ, तो इसमें मैं आपको गाड़ी के स्पेसिफिकेशन और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा। एंड इस गाड़ी का जो GVW है दोस्तों ये है 19 टन। एंड आगे जाते हैं, अगली गाड़ी है अपने पास 28-20। दोस्तों ये जो गाड़ी है 10 पहिए यानी कि 10 चक्के की 10 व्हीलर गाड़ी है, इस गाड़ी में भी आपको जी काउल, एम कैबिन, यू कैबिन और एन कैबिन वेरिएंट्स अवेलेबल है अलग अलग लोड बॉडी ऑप्शंस के साथ। ये गाड़ी आपको 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट, 26 फीट, 28 फीट, 30 फीट और 32 फीट के डेक लेंथ ऑप्शंस में अवेलेबल है। अगली गाड़ी है 28-25। दोस्तों इस गाड़ी में आपको कोई वेरिएंट्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल टॉप ऑफ द लाइन कैबिन दिया गया है। और दोस्तों ये जो गाड़ी है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए गाड़ी है, हैवी एप्लीकेशंस जैसे कि बोरवेल डिगिंग, ड्रिल रिग्स, हैवी इक्विपमेंट, उसके लिए ये गाड़ी है। एंड ये गाड़ी आपको सिर्फ 24 फीट में दोस्तों अवेलेबल है, इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर आ रहा है। अगली गाड़ी है 35-20 3520 ट्विन स्टीयर वेरिएंट, इसका जो लिफ्ट एक्सल है तीसरा ये यहाँ पर है, तो इस गाड़ी में भी आपको जी काउल, एम कैबिन, एन कैबिन और यू कैबिन वेरिएंट्स अवेलेबल है। एंड ये गाड़ी आपको 24 फीट, 26 फीट, 28 फीट, 30 फीट और 32 फीट के डेक लेंथ ऑप्शंस में अवेलेबल है। एंड दोस्तों अगली गाड़ी है 3520 LA, LA यानी कि लिफ्ट एक्सल, ये गाड़ी भी आपको जी काउल, यू कैबिन, एम कैबिन और एन कैबिन वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एंड इसमें जो है सेम गाड़ी है 35-20 ट्विन स्टीयर जैसी, लेकिन इसका जो एक्सल है पीछे यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है
एंड ये लिफ्ट एक्सल कर दिया है। ये गाड़ी भी आपको 24 फीट, 26 फीट, 28 फीट, 30 फीट और 32 फीट के वेरिएंट्स में अवेलेबल है। आगे चलते हैं, अगली गाड़ी है सबकी फेवरेट 14 व्हीलर यानी कि 14 चक्के की 4220 10x2 यानी कि 10x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन की। ये गाड़ी आपको काउल, एम कैबिन, यू कैबिन और एन कैबिन वेरिएंट्स में अवेलेबल है और माय गॉड सबसे खूबसूरत और धासू और मजबूत गाड़ी मुझे लगी है। यू कैबिन और एम काउल में तो बहुत बढ़िया दिखती है। ये गाड़ी आपको 28 फीट, 30 फीट और 32 फीट के डेक लेंथ ऑप्शंस में अवेलेबल है। इस गाड़ी पर भी एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर हम ला रहे हैं ट्रक टॉक्स के स्टाइल में। अगली गाड़ी है 4225, सेम गाड़ी है जैसे मैंने ऊपर दिखाई, लेकिन इसमें ए सीरीज का इंजन है 250 एचपी का। इस गाड़ी में आपको 28 फीट, 30 फीट और 32 फीट के वेरिएंट्स अवेलेबल है और इस गाड़ी में आपको एसी और इन कैबिन दिया गया है, बाकी के वेरिएंट्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है। एंड इस गाड़ी का जो जीवीडब्ल्यू है वो है 42 टन्स। अगली गाड़ी है 4825, दोस्तों इस गाड़ी में आपको तीन ही वेरिएंट्स अवेलेबल है जो प्रॉपर यू कैबिन और एन कैबिन में है, टॉप ऑफ द लाइन। और ये जो गाड़ी है इसका जीवीडब्ल्यू है 48 टन्स और ये गाड़ी आपको 28 फीट और 30 फीट के डेक लेंथ ऑप्शंस में अवेलेबल है। एंड बात करते हैं इसके बॉडी स्टाइल की, तो इन सभी गाड़ियाँ जितनी भी आपको ऊपर मैंने गाड़ियाँ दिखाई, ये सभी गाड़ियाँ आपको केबिन चेसिस, फिक्स साइड डेक यानी कि FHD, HHD यानी कि हाई साइड डेक और कुछ कुछ वेरिएंट्स काउल वेरिएंट्स में अवेलेबल है। बात करते हैं ट्रैक्टर रेंज की, तो ट्रैक्टर रेंज में आपको तीन मुख्य GVW, GCW ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट्स में ट्रैक्टर्स अवेलेबल है, वो है 4020, 4620 और 5525, 5525, 5525, 4620 और 4020। दोस्तों 4020 की बात करें तो 4020 जो ट्रैक्टर है ये आपको चार वेरिएंट्स में अवेलेबल है, वो है काउल, एम कैबिन, यू कैबिन और एन टॉप ऑफ द लाइन एन कैबिन। दोस्तों ये जो कैबिन चेसिस वेरिएंट्स में आएगा ट्रैक्टर और इसका GCW ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट है 40 टन। अगला वेरिएंट है इसका 4620 402 820 का ही एक एडवांस वर्जन है। ये जो वेरिएंट है आपको काउल, एम कैबिन, यू कैबिन और एन कैबिन वेरिएंट्स में अवेलेबल है और इसका GCW यानी कि ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट है 46 टन्स। ये भी आपको कैबिन चेसिस वेरिएंट्स में मिलेगा क्योंकि दोस्तों काउल ये जो ट्रैक्टर्स होते हैं मींस इसका एप्लीकेशन मेजरली ट्रेलर्स खींचने के लिए किया जाता है। लास्ट जो इसका टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम प्रोडक्ट है वो है 5525, 5525, 6x4 ट्रैक्टर, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन इसका 6x4 है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ एन कैबिन वेरिएंट में अवेलेबल है। दूसरे इसमें काउल वगैरह के ऑप्शंस फिलहाल इसमें दिए गए नहीं है। और ये इसका जो GCW है वो है 55 टन और ये जो है हैवी कार्गो जो रहता है उसे खींचने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों उसी के साथ साथ गाड़ी में आपको अशोक लेलैंड की सभी गाड़ियों में आपको आई अलर्ट सिस्टम दिया गया है जिसमें आपको रूट मैनेजमेंट, फ्यूल मैनेजमेंट, ट्रिप मैनेजमेंट, सर्विस रिमाइंडर्स, रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स, ये एक डिजिटल फीचर है, ये अशोक लेलैंड की तरफ से ऐड किया गया है। उसी के साथ साथ अशोक लेलैंड का जो आफ्टर सेल्स नेटवर्क है वो BS6 में काफ़ी स्ट्रांग है, उसमें सर्विस सेंटर्स, डीलर्स, टाइप ए डीलर्स, टाइप बी डीलर्स, टाइप सी डीलर्स, उसी के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी गाड़ी की अच्छी है। उसी के साथ साथ अशोक लेलैंड के जो बाकी के जो एड ऑन फीचर्स है जैसे कि ई डायग्नोस्टिक्स, अशोक लेलैंड रिकॉन, क्विक रिस्पॉन्स, सर्विस ट्रेनिंग, अशोक लेलैंड की ली कार्ड जो एक ऑनलाइन पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स की एक पोर्टल है, उसी के साथ साथ ली पार्ट्स, एक्सटेंडेड वारंटी, AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट और ड्राइवर ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं एक डिटेल्ड वीडियो थोड़े ही दिनों में लाने वाला हूँ। और ये जो मैंने ऊपर आपको सब गाड़ियाँ दिखाई दोस्तों, इन गाड़ियों पर भी एक डिटेल्ड वीडियो थोड़े ही दिनों में आप तक जो है मैं पहुँचाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर मैं एक सेशन एंड करता हूँ, आइए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई नो बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है एंड अगर आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा हो तो एक एक पॉइंट को हमने मींस मेरे लेवल पे मैंने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसमें कुछ रॉन्ग लगा हो या फिर मींस कुछ फास्ट फास्ट में बोल चुका हूँ, कुछ अंडरस्टैंड नहीं आया हो आपको, तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड इसके जो आज के वीडियो हमने ट्रैक्टर्स और रिजिड ट्रक्स के बारे में देखा, टिपर्स को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो थोड़े ही दिनों में ला रहा हूँ, लगभग 5-6 दिनों में वो भी वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। एंड दोस्तों इसके जो इंडिविजुअल ट्रक्स के वीडियो है वो थोड़े दिनों में आएंगे। एंड बात करें एक्चुअल ट्रक के वीडियोज़ की तो दोस्तों उसके लिए थोड़ा डिले होगा क्योंकि एज यू नो कि मैं ठाणे में रहता हूँ जो मुंबई के काफ़ी करीब है एंड यहाँ पर लॉकडाउन का बहुत स्ट्रिक्ट पालन हो रहा है एंड शोरूम्स में जो है गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है, उसी के कारण हम एक्चुअल गाड़ियों की वीडियोस फिलहाल तो नहीं बना सकते। ये बात मुझे भी नहीं पता कि कब तक गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी एंड वीडियोस हम बना पाएंगे। तो जैसे ही गाड़ियाँ मेरे नज़दीकी डीलरशिप्स में अवेलेबल हो जाएगी मैं वहाँ जाकर आपके लिए एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ट्रक टॉक स्टाइल में लाऊंगा। कैसी लगी आपको अशोक लेलैंड की अवतार रेंज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी वीडियो के साथ अगली बार, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपल डायकास्ट एंड व्लॉग्स ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स।
जय हिंद।